अयोध्या केस में 31वें दिन की सुनवाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में बदल गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि राम चबूतरा ही भगवान राम का जन्म स्थान है, जबकि कल मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में राम चबूतरे को ही भगवान राम का जन्म स्थान बताया था। हम सीधा रुख करते हैं प्रभाकर मिश्रा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, कैसे बदल गया मुस्लिम पक्ष अचानक? जब फरियाद जिलानी ने जब कल ये बात कही थी तो उस समय का जो संदर्भ था, कोर्ट ने जैसे इन्होंने कहा कि हमें इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि जो राम चबूतरा है वही राम का जन्म स्थान है, कोर्ट ने इस पर दो दो बार सवाल पूछा था। आज चूंकि ये कल के बाद से ये खबर मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुई है, आज कोर्ट में उन्होंने सफाई दी कि हमने अपने तरफ से कभी नहीं कहा, हमने ये कहा है कि हिंदुओं की आस्था है कि राम चबूतरा राम का जन्म स्थान है। और 1886 में फैजाबाद कोर्ट के जज ने, मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर में भी ये माना था कि राम चबूतरा ही राम का जन्म स्थान है। और हमने उस कोर्ट के उस जज के फैसले को कभी चुनौती नहीं दी है। हमने अपने तरफ से नहीं कहा कि ये जन्म स्थान राम चबूतरा ही जन्म स्थान है। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोर्ट ने कहा है और हिंदुओं की आस्था है इसलिए हम मानते हैं, हम अपनी तरफ से ये नहीं स्वीकार करते कि वही जगह जन्म स्थान है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये सफाई है। और जफरयाब जिलानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कल भी हमने यही बात की थी, लेकिन उसको गलत ढंग से समझा गया है।